नमस्कार, मैं अंटूना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। रामपुर शहर विधानसभा सीट के लिए सपा, भाजपा, कांग्रेस और बसपा जैसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के घोषित प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जहां पर उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ नामांकन कराया है। रामपुर शहर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को समाजवादी पार्टी के डॉक्टर तर्जीद फातिमा, भाजपा के भारत भूषण गुप्ता, कांग्रेस के अरशद अली खान गुड्डू और बसपा के प्रत्याशी पूर्व RIS अधिकारी जुबेर मंसूर खान ने कलेक्टर पहुंचकर अपना अपना नामांकन कराया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रही। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्हें अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इस सीट को लेकर उपचुनाव होना है। फिर से रामपुर से मुजासिम खान की एक खास रिपोर्ट।